देखिए, इसमें पहला साइन तो काफ़ी ऑब्वियस होता है। अगर आपके रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो गए हैं और इस बात को एक हफ्ता हो गया है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हों। लेकिन अगर आपके साइकिल्स पहले से ही इरेगुलर हों तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, यानी इस केस में आप श्योरिटी से कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हो सकता है कि आप अपने ब्रेस्ट में स्वेलिंग नोटिस करें। ये एबनॉर्मल लग सकता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये कुछ हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो आप देखेंगे कि ये सिम्टम्स कम हो रहे हैं और आपकी बॉडी इनके साथ एडजस्ट करने लगी है। ये सब कभी कभी पीरियड से जस्ट पहले वाले फेज़ में भी होता है। एक और ऑब्वियस साइन है उल्टी आना, या जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। लेकिन असल में इसका मॉर्निंग से कोई लेना देना नहीं है और ये दिन रात किसी भी समय हो सकता है, और आमतौर पर ये प्रेगनेंसी के पहले महीने में होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उल्टी, नौशिया और टेस्ट में फ़र्क आना ना महसूस हो, पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर सडनली टेस्ट में फ़र्क आए या फिर कुछ पर्टिकुलर किस्म की चीज़ों का खाने का मन करे, कभी कभी उल्टी भी हो सकती है। ये सभी सिम्टम्स अगर कंटिन्यू होते हैं या फिर आपको परेशान करते हैं तो फिर अपने डॉक्टर से मिलना ही सही होगा। बार बार टॉयलेट जाना प्रेगनेंसी में आम बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इसलिए किडनीज को ज़्यादा काम करना पड़ता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये बढ़ी हुई शुगर की वजह से या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से ना हो। प्रेगनेंसी का एक सबसे कॉमन अर्ली साइन होता है थकान। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने की वजह से आप सुस्ती या थकान महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये सब प्रेगनेंसी में होने वाले कॉमन साइंस हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर प्रेग्नेंट महिला को ये सारे सिम्टम्स महसूस हों। हो सकता है इनमें से आपको कोई एक ही सिम्टम हो। ये सब यूजुअली हार्मोन्स के बदलाव की वजह से होते हैं। इनके अलावा भी कुछ और साइंस हैं जो आपको प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में महसूस हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी दिन हो सकते हैं जब आप बेवजह इमोशनल होने लगे, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, इसलिए मूड स्विंग्स आम बात है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हो सकता है आपको सूजन या ब्लोटिंग महसूस हो। ये पीरियड्स के दौरान होने वाले सिम्टम जैसा ही है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, यानी हल्का फुल्का खून बह सकता है। इसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के 10 से 14 दिनों में होता है, जब फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होता है और यूट्राइन लाइनिंग से अटैच होता है। पर याद रखने की बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि हर प्रेग्नेंट औरत को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। कुछ प्रेग्नेंट औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान क्रैम्प्स भी महसूस हो सकते हैं। अगर ये अक्सर होने लगे तो आपको जल्द ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि आपके शरीर में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो आपके शरीर को अंदर से इफेक्ट करते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनमें से एक है। आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कब्ज हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास स्मेल्स आपको ज़्यादा महसूस होती हैं। खाने के कुछ खास आइटम्स या स्मेल्स आपको परेशान कर सकते हैं, और ये सिम्टम भी आप जानते ही हैं किस वजह से होते हैं। जी हाँ, ये आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाने की वजह से आपके नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, जिसके कारण ड्राइनेस और ब्लीडिंग हो सकती है। और आखिर में आप देखेंगे कि कभी कभी आपको चक्कर आ सकते हैं या बेहोशी भी हो सकती है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ जाने की वजह से और ब्लड वेसल्स में फैलाव आने की वजह से हो सकता है। इस कारण से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और आपको चक्कर आ सकते हैं। तो ये थे कुछ शुरुआती साइंस प्रेगनेंसी के। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि पीरियड्स की शुरुआत में ऐसे कई सिम्टम्स होते हैं। इसीलिए बेस्ट होता है कि आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट द्वारा या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से टेस्ट करा के कन्फर्म करें। श्योर होना हमेशा बेहतर होता है, और कई बार श्योर होने में लगते हैं आपके सिर्फ 5 मिनट।